गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज है हम मेरे घर पे। तो अर्पित जी, क्या बना रहे हो आज? बनने जा रहे हैं एकदम चटपटी मसालेदार भेल। ओके, तो गाइस अभी हम फ्री का टाइम था और भूख लग रही थी, तो अर्पित बोलते क्या बनाते हैं, तो हमने सोचा भेल बना ली जाए। तो मैंने सोचा क्यों हम कैसे भेल खाते हैं, मैं आपको एक बार शेयर करूंगी कि हम किस टाइप का भेल खाते हैं, कितना सामान डालते हैं, क्या क्या डालते हैं और भेल खाते हैं। तो रेसिपी जरूर बताऊंगी मैं आपको पूरी। तो कुणाल, कुछ बोलना चाहोगे आप? तो गाइस चलो, नए हो तो चलो कर दीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं भेल रेसिपी। इधर अर्पित जी काट रहे हैं प्याज, उसके बाद काटेंगे टमाटर, हरी मिर्ची, ककड़ी और उसके बाद पत्ता गोभी, और इसमें हम मिर्चा डालेंगे, मैगी डालेंगे, मैगी मसाला डालेंगे, बहुत सारी चीज़ डालने वाले। तो चलो गाइस करते हैं अब फटाफट कटिंग सभी चीज़ों की। दो प्याज होते नहीं, वो काटो अभी फिलहाल दो, ठीक है उसके बाद। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इधर अर्पित जी कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है आटा नूडल्स, क्योंकि अच्छी लगती है जब भेलम बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ ताकि किसी को भी पूरा मुँह में ना आए, क्योंकि पूरा मुँह में अगर आएगा तो ये थोड़ा कड़क होता है गाइस। तो इसको पहले सबसे पहले मैं क्रिस्पी कर लेती हूँ। कैमरे में दिखाओ हमारे परमल, ये है थोड़ी अच्छी क्वालिटी के परमल है। हाँ अच्छी क्वालिटी के ही हम यूज करते हैं, चाहे हम कम खाते हैं। हाँ तो भाई कम खाते नहीं कुछ होगा। शिवांग नहीं, शिवांग होटल मजा आ जाता है। शिवांग गया है स्कूल। हाँ मैं डाल दी टमाटर और टमाटर अर्पित जी कट कर रहे हैं। और गाइस नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका खुद का चैनल है ये। उसके बाद हम काटेंगे इसमें हरी मिर्ची, अर्पित जी हरी मिर्ची पहले काटेंगे और कम ही हम हरी मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची जो है तीखी वाली है। मैं वैसे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस ये भी सॉस भी नहीं आया, वो सॉस गाइस सॉस खाओ। तो गाइस अब प्याज डालेंगे, प्याज डाल रहे हैं जया दीदी। अब आएगी पत्ता गोभी डालेगी, अब फिर मिर्ची, मिर्ची बहुत तीखी है, फिर टमाटर, उसके बाद में डालने वाली हूँ सॉस और उसके बाद मेरा जाने वाला है मैगी मसाला। और मैगी मैंने पहले डाल दी थी, आपको दिखा दिया था। और इसके बाद जाने वाला है हमारा मिक्सचर। दूर तक ले जाऊं मैं। तो आप देखते हैं बनने के बाद बंसु। तो अब जा रहा है इसमें नमक। अब ये चटपटी भेल हो गई है रेडी खाने के लिए। किस किस के लिए आ रहा है पानी, ये मैं करती हूँ सबसे पहले सर्व और दिखाती हूँ आपको इसका व्यू। कैसी लग रही कुणाल? अच्छी बनी। बंसु कैसी लगी? सो गाइस भेल एक नंबर बनी है। इतना बड़ा पहला बार हमने बनाई भेल। दोस्तों सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, और आप लोग भी बनाओ भेल और खाओ। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये नाकोड़ा का मैंने मिक्सर डाला है,
जो कि कल हम डीमार्ट से लाए थे। अलग से कोई भी हमको मिक्सचर मिलाना नहीं पड़ा, इसमें सारी चीजें मिक्स आई थी। अब मिलते हैं नए स्टोरी में।